नमस्कार। कक्षा 10 एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा भाग हम कर रहे हैं। ये है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? कितनी है मतलब वर्तमान आयु। तो जो हमें निकालना होता है हम उसी को पहले मान लेते हैं एक्स और वाई। तो मान लो नूरी की वर्तमान आयु और सोनू की वर्तमान आयु, तो देखो बच्चा नूरी की वर्तमान आयु हम मान लेते हैं x वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु मान लेते हैं y वर्ष। ठीक है, अब हम आगे क्वेश्चन को करते हैं। 5 वर्ष पूर्व, हमारे पास क्वेश्चन के 2 भाग हैं। एक है 5 वर्ष पहले वाली कंडीशन है और दूसरी है 10 वर्ष पश्चात वाली। तो मैं क्या करता हूँ, अपने आंसर में 2 भाग बना लेता हूँ। एक है 5 वर्ष पूर्व, ये भाग इधर, और एक है 10 वर्ष पश्चात। पश्चात का मतलब होता है बाद में, तो ये आज से 10 साल बाद वाली। ठीक है बच्चों, तो आइए, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। देखो नूरी, आज नूरी की उम्र है एक्स, 5 साल बाद पहले कितनी होगी, एक्स माइनस 5। आज कोई बच्चा 10 साल का है, 5 साल पहले कितने का होगा, 10 में से 5 माइनस कर दिया। ऐसे आज कोई नूरी है, वो आज नूरी है, वो एक्स साल की है, 5 साल पहले उसकी उम्र कितनी होगी, आज की उम्र में से 5 माइनस कर दो, यानी एक्स में से 5 माइनस कर दो। इसी प्रकार से सोनू की उम्र आज है वाई, 5 वर्ष पहले कितनी होगी, वाई माइनस 5। क्वेश्चन के हिसाब से 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। यह है नूरी की आयु, यह है सोनू की आयु, यह आयु सोनू की आयु से 3 गुनी थी। सोनू की आयु का 3 गुनी नूरी की आयु के बराबर था। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु बराबर थी सोनू की आयु के 3 गुनी। इसे हम हल करेंगे, x माइनस 5 बराबर, ये 3 जो है ये इधर y से भी गुना होगा और 5 से भी। 3 जब y से गुना होगा तो ये बन गया 3y माइनस 3 गुना 5 हो जाएगा 15। अगले स्टेप में x 3y बराबर के आगे है, इसको बराबर से पहले लाएंगे। यहाँ पे इसके साथ कोई निशान नहीं है, यानी ये प्लस का निशान है। जब ये बराबर से इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, बराबर यहाँ बच गया माइनस 15। ये माइनस 5 है, यहाँ पर प्लस हो, इसके साथ माइनस का निशान है। जब ये बराबर से उधर जाएगा तो ये साइन चेंज होकर बन जाएगा प्लस 5। एक्स माइनस 3y को ऐसे ही उतारेंगे, यहाँ बन गया माइनस प्लस माइनस, 15 में से 5 निकाले 10, साइन बड़ी रकम का, 15 बड़ा है, उसके साथ निशान है माइनस का, तो यहाँ भी आ जाएगा माइनस। तो इस प्रकार से हमारे पास अभी एक समीकरण आई है, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन के दूसरी इक्वेशन की, दूसरी कंडीशन की। देखिए यह है 10 वर्ष पश्चात, तो आज नूरी है एक्स साल की, 10 साल बाद, यानी उसकी उम्र में 10 प्लस कर दो। ऐसे ही सोनू वाई साल की है, आज उसकी उम्र में 10 प्लस कर दो, तो ये उनकी 10 साल बाद की उम्र आ गई नूरी की और सोनू की। क्वेश्चन क्या कहता है, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। यह नूरी की आयु है, यह सोनू की आयु के 2 गुने के बराबर हो जाएगी। नूरी की आयु है x प्लस 10 क्यों, 10 वर्ष पश्चात वाली। यह सोनू की आयु का 2 गुना हो जाएगा, यानी x प्लस 10 बराबर होगा सोनू की आयु का 2 गुने के बराबर। इसे हल करते हैं, यह x प्लस 10 बराबर, ये 2 ब्रैकेट में जो नंबर्स हैं उनके साथ, दोनों के साथ गुना होगा, 2y से गुना होगा तो बन जाएगा 2y प्लस 2, जब 10 से गुना होगा तो बन जाएगा 2 × 10 = 20। आगे देखें, x 2y यहाँ प्लस का है, कहाँ, बराबर से आगे, इसको बराबर से पहले लाना है, इसका साइन चेंज हो जाएगा, बन जाएगा माइनस, बराबर यहाँ 20 देखिए पहले से है, ये 10 यहाँ प्लस का है, जब ये बराबर से उधर जाएगा तो 10 माइनस का हो जाएगा। ये क्यों जाएगा 10 उधर, क्योंकि 10 के साथ xy नहीं है, 20 के साथ भी xy नहीं है, तो इनको इकट्ठे कर देंगे ताकि ये प्लस माइनस हो सके।
तो हमारे पास आ गया x माइनस टू वाई बराबर 20 में से 10 माइनस कर दिए 10। तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब हमें इसे विलोपन विधि से हल करना है। हमें पता है विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, गुना करते हैं ताकि इनके गुणांक एक जैसे आए। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ है x का गुणांक 1, यहाँ भी है x का गुणांक 1, तो गुणांक बराबर है इसलिए इनको किसी भी नंबर से गुना करने की ज़रूरत नहीं है। हम ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसे इधर एक इक्वेशन नंबर, क्या हम ऐसे करते हैं, दोनों इक्वेशन एक बार दोबारा लिख लेते हैं। x माइनस 3y बराबर माइनस 10, यहाँ से x माइनस 2y बराबर 10, इन्हें हमने हल करना है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, यदि ये एक जैसे हो, यहाँ भी x यहाँ भी x, तो इनको करेंगे माइनस। एक प्लस एक माइनस का होता फिर इनको कर देते प्लस, ठीक है। सो दैट इसके साथ अभी कोई निशान नहीं है, यानी प्लस का है तो ये साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि माइनस हो रहा है। ये माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो x से माइनस x कट गया, ये आ गया माइनस प्लस माइनस, 3y माइनस 2y हो गया 1y, साइन बड़ी रकम का माइनस बराबर माइनस माइनस प्लस, 10 प्लस 10 20, साथ में साइन माइनस का क्योंकि दोनों रकमें माइनस की हैं। अब माइनस है, माइनस कट गया, y हमारे पास आ गया 20, ये हमारे पास y का मान आ गया है। इसी y के मान को हम चाहे इक्वेशन 1 चाहे इक्वेशन 2 में रखेंगे तो हमारे पास x का मान आएगा। तो मैं लिखता हूँ पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, 1 में रख देते हैं। इक्वेशन 1 थी देखो, x माइनस 3 इंटू वाई, वाई अभी हमने निकाला 20, तो y की जगह लिख दिया 20, तो 3 इंटू वाई मतलब 3 इंटू 20 बराबर है माइनस 10। यहाँ से x आया माइनस 20 दिया 60 बराबर माइनस 10। अगले स्टेप में x आया माइनस 10, 60 इधर माइनस क्या उधर जाके हो जाएगा प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, 60 में से 10 माइनस कर दिए 50। इसका मतलब x का मान हमारे पास कितना आ गया है, 50 आ गया है। x का मान कितना आ गया है, 50 आ गया है। लेकिन हमें इस क्वेश्चन में एक्स वाई नहीं निकालना, हमें बोला गया नूरी और सोनू की आयु कितनी है। तो देखो, नूरी की आयु क्वेश्चन में देखिए, हमने नूरी की आयु किसके बराबर निकाली थी, एक्स वर्ष, और अभी हमने एक्स कितना निकाला है, 50। इसका मतलब नूरी की आयु कितनी आ गई, 50 वर्ष। इसी प्रकार से हम निकालेंगे सोनू की आयु। क्वेश्चन में देखते हैं, हमने सोनू की वर्तमान आयु कितनी बोली थी, वाई वर्ष, और देखिए वाई हमारे पास किसके बराबर आया है, 20 के। इसका मतलब सोनू की आयु बच्चों कितनी आ गई है, 20 वर्ष। तो हमें नूरी और सोनू की आयु निकालनी थी, ये हमने निकाल दी। नूरी की आयु है 50 वर्ष और सोनू की आयु है 20 वर्ष। तो आशा करता हूँ ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, ये आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। देखो कितने सारे कलर्स का हम यूज़ करते हैं ताकि आपको सब चीज़ें अलग अलग दिखाई दें और अच्छे से समझ आए। यदि आपको हमारी ये मेहनत अच्छी लगे तो हमारे इस वीडियो को बच्चों लाइक ज़रूर कीजिएगा। जब आप हमारा वीडियो लाइक करते हैं तो उससे हमें और मेहनत से आपके लिए वीडियोज़ बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद बच्चों।